छठ पूजा हो और जिले का ग्रामीण क्षेत्र छठ मैया की भक्ति में सराबोर ना हो, ऐसा तो संभव ही नहीं है। आमतौर पर ये देखा जाता है कि शहरी क्षेत्र की तुलना में ग्रामीण क्षेत्र में छठ पूजा की ज्यादा धूम रहती है। ऐसा ही नजारा कल शाम की तरह सुबह भी कटिहार के ग्रामीण इलाकों में भी देखने को मिला। हजारों नहीं बल्कि लाखों छठ व्रतियों ने कटिहार के अलग अलग ग्रामीण इलाकों में आज सुबह पूरी श्रद्धा भाव एवं विधि विधान के साथ उदयगामी भगवान सूर्य को अर्घ्य दान करते हुए छठ मैया को नमन किया। आइए डालते हैं जिले के अलग अलग ग्रामीण क्षेत्रों में मनाई जा रही छठ पूजा के दृश्यों पर एक नजर। Thank you.
आज चार दिन के महापर्व का उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर आज समापन हुआ है, शांतिपूर्ण समापन हुआ। इसमें आप सभी लोगों की जो भूमिका रही, यहाँ के जनता की भूमिका, यहाँ के जनप्रतिनिधि की भूमिका, नगर पंचायत के पदाधिकारी, नगर पंचायत के कर्मी तथा पुलिस प्रशासन और प्रशासन, सभी लोगों के सहयोग से शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न हुआ। नगर पंचायत क्षेत्र में और हमारे पूरे अनुमंडल क्षेत्र में मिलाकर कुल लगभग 55 घाट थे। सभी जगह पुलिस पदाधिकारी और दंडाधिकारी की प्रतिनिधि की गई थी और जन सहयोग से, जनप्रतिनिधि के सहयोग से, आप सभी लोगों के सहयोग से शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। सबसे पहले तो सभी मीडियाकर्मी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप लोग दीपावली से लेकर के अभी तक घाट पर जो है सहयोग का भावना से एकदम सब चीज़ को देखते हुए सब चीज़ चलाए। और सबसे पहले हम मनिहारी अनुमंडल का पुलिस पदाधिकारी जितना भी है उसको तो तहे दिल से हम लोग धन्यवाद देते हैं कि पूरे दीपावली से ले कर दिन और रात एक समान सभी पदाधिकारी जितने भी हैं सबका सहयोग इतना बढ़िया रहा। दिन को दिन नहीं बुझा, रात को रात नहीं बुझा और शांतिपूर्ण किसी भी प्रकार का कोई भी तरह का घटना दुर्घटना नहीं हुआ। बिल्कुल शांतिपूर्ण जो है वातावरण में छठ का समाप्तिकरण हुआ। आज प्रखंड अध्यक्ष मंजय कुमार शाह और राजेश कुमार शाह, जैसा कि आप जानते हैं मनिहारी में गंगा नदी है और गंगा नदी के किनारे छठ बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है और दीपावली से लेकर लगातार यहाँ पे आसपास के जितने ज़िले हैं और बगल के नेपाल से काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं, जिससे काफ़ी भीड़ होती है और हर तरह की व्यवस्था यहाँ पे करनी पड़ती है। यहाँ पे बहुत ही चुनौतीपूर्ण ये कार्य था हम लोग का, दिवाली से लेकर छठ के बीच का जो भी घाट पे व्यवस्था करनी थी। इसके अलावा मनिहारी अनुमंडल में करीब 56 घाट थे जहाँ हम लोग को व्यवस्था करनी थी। इन सभी के सहयोग से नगर प्रशासन, हमारी प्रशासनिक टीम और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं और मीडिया के बंधु हैं, आप लोग सबके सहयोग से हम लोग अच्छी तरह से छठ पर्व यहाँ पे मनाए। अंतिम अर्घदान दिया गया और मनिहारी से लेके जिले वासियों को क्या बोलना चाहता है? मनिहारी में जो चूँकि छठ का यहाँ पर तो थोड़ा कम ही था, मतलब लोकल लोग आए थे, 50,000 के आसपास भीड़ होगी, लेकिन दिवाली से लेके इस बार तो दुर्गा पूजा के सुबह से ही लगभग 7 से 7.5 लाख लोग स्नान किए, जो मनिहारी प्रशासन के लिए, पुलिस प्रशासन के लिए बहुत एक चुनौती बनी हुई थी। बहुत अच्छे ढंग से पुलिस के अधिकारी, पुलिस के कर्मचारी सबों ने किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद है पुलिस प्रशासन को। और ख़ास करके जो मनिहारी के SDPO साहब हैं, ये अपने से मॉनिटरिंग करते हैं, अभी तक इसका प्रूफ है कि अभी तक बैठे हुए हैं। नहीं तो हम लोग देखते थे पहले क्या होता था, यदि अभी यहाँ नहीं होते अभी सर, आप लोग भी सुने होंगे कि बताए कि नहीं अंतिम में पुछड़ी लटक जाता है, पुछड़ी तक कोई देखते हैं। इसलिए हम कहना चाहेंगे कि आने वाले समय में और इससे भी अच्छा इंतजाम हो। सरकार तो जो कर ही रही है, लेकिन व्यक्तिगत भी कुछ लोगों का पर्सनल डिग्निटी होता है जो सब दिन याद रखा जाएगा, उसी तरह से SDPO साहब का भी हम लोग याद रखेंगे, ऐसा मेरा मानना है। नगर पंचायत की तरफ से विधि व्यवस्था की बात करें या शुद्धिकरण की बात करें, किस तरह का व्यवस्था की? नगर पंचायत की तरफ से भी बहुत अच्छा व्यवस्था किया गया है, कुछ न कुछ कमी तो रह जाती है, जो बड़ा काम होता है तो कुछ न कुछ कमी रह जाती है। आने वाले समय में हम लोग तो उम्मीद करेंगे कि आने वाला समय में अच्छा से अच्छा व्यवस्था कर सकें। आपका परिचय? प्रमोद कुमार झा।
आस्था का महापर्व छठ को लेकर छठ व्रती महिला अभी भी घाट के किनारे है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ अहमदाबाद प्रखंड के बैरिया एवं चन्नी घाट, इसे कहा जाता है। खास तौर से बता दूं कि आज उगते सूरज को जो है छठ व्रती अर्घ दे रही हैं। आप तस्वीरों में देख पाएंगे कि घाट के किनारे अभी भी जो है छठ व्रती महिला बनी हुई है। खास तौर से मैं बता दूँ कि प्रशासनिक गतिविधि की अगर बात करूँ तो प्रशासन की ओर से मेडिकल टीम के साथ साथ पुलिस की मुस्तैदी की गई है। और ख़ास तौर से मैं बता दूं कि कमेटी की ओर से बैरिकेडिंग की व्यवस्था कराई गई है। और बैरिकेडिंग के साथ साथ आपको मैं ये बता दूं कि प्रशासन की ओर से गोताखोर भी लगाए गए हैं। इस संबंध में क्या कहते हैं कमेटी के लोग, हम उनसे भी बात करेंगे। तैयारियाँ थी छठ पर्व को लेकर घाट पर? ये लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा 4 दिवसीय होता है। आज सुबह का अर्घ देने के बाद घर जाया जा रहा है। और हर साल की भांति भाई ग्रुप क्लब की ओर से लगभग पिछले 10 साल से जो है यहां पर छठ पूजा का आयोजन किया जा रहा है। काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से किया जा रहा है। ऊपर से बैरिकेडिंग का भी व्यवस्था था, दूध फूल अगरबत्ती भी दिया जा रहा था और सेफ्टी ट्यूब रखा गया था, साथ में सेफ्टी जैकेट थी। प्रशासन की ओर से क्या कुछ तैयारियाँ थी? प्रशासन की ओर से सब इंस्पेक्टर सर आए हुए थे, जितेंद्र सर, BDO सर भी आए थे खुद विजिट करने के लिए, साथ मेडिकल टीम भी आई हुई है। क्या कुछ मेडिकल टीम में सभी मेडिसिन ही सब लेके हुए आए हुए हैं। पटाखा उटाखा में अगर हाथ जल जाता है या किसी को अचानक से कुछ हो जाता है उसके लिए, और साथ में एम्बुलेंस के लिए भी मांग किया जाता है क्लब के द्वारा, तो एम्बुलेंस उस पर रखा जाता है। क्या नाम है? राकेश कुमार रोशन। पुलिस बल की तैनाती की गई थी। खासतौर से पर्व की अगर बात कर ली जाए तो सभी के लिए पर्व होता है, और पुलिस प्रशासन की अगर बात कर लें तो वो अपने परिवार बच्चों से छोड़कर अपनी ड्यूटी कर। सर एक चीज़ जानना चाहेंगे कि आखिर आपके भी परिवार बच्चे होंगे, कैसे आप यहाँ पे? देखिए, हमें सबसे ज़्यादा खुशी होती है यहाँ जनता की सेवा में। अपने परिवार को तो समझिए तो भूल भी गए, याद भी नहीं आया कि घर में पर्व हो रहा है। और यहाँ जितने छोटे छोटे बच्चे बच्चियाँ को देखते हैं बहुत ही हमें आनंदमय महसूस होता है। और सब सत्य माने यहाँ यह पर्व सत्य के लेकर के हैं। और अपने नौकरी में मेरा ये अनुभव रहा कि अच्छे कार्य करने पर अच्छे फल मिलते हैं। सर एक चीज़ जानना चाहेंगे, कितने वर्षों से आप यहाँ पे हैं अभी? अभी हम मेरी नौकरी 26-27 वर्ष हो गई और इतना दिनों से हम अपना नौकरी कर रहे हैं। और ये जीवन में हमने ये देखा है कि किसी को यदि आप भलाई करते हैं, अच्छा कार्य करते हैं, जब उधर से हम पास होते हैं और परिवार के लोग, गरीब लोग जब हमें देख करके दुआ देते हैं, हंसते हैं और खुश होते हैं, वही सबसे बड़ी मेरी खुशी है और वही मेरी कुंजी है।
निश्चित ही ये थे सब इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार शर्मा जी, और बता रहे थे कि इन्हें सबसे बड़ी खुशी होती है जनता की सेवा में, और निश्चित तौर पर ऐसे प्रशासन को इनके जज्बे को सलाम है। तैयारियां थी इस बार छठ पर्व को लेकर? बहुत तैयारियां थी, सुविधा भी हमको कमेटी के तरफ से बहुत अच्छा सुविधा मिला, यहाँ एम्बुलेंस भी थी, पर जो करती है उसके लिए सुविधा था, डॉक्टर है, पुलिस है, एम्बुलेंस भी वैसा व्यवस्थित पड़ने पर पुलिस प्रशासन लगा हुआ है, व्यवस्था बहुत अच्छा हुआ, पर्वती सब भी बहुत खुश हुआ, इस जगह घाट गंगा घाट छठ घाट का इतना अच्छा, बहुत अच्छा हुआ। क्या नाम है आपका? ज्योति देवी। क्या कुछ तैयारियां थी छठ पर्व को लेकर, कितना अच्छा लग रहा था? बहुत अच्छा तैयारियां था, बहुत अच्छा प्रशासन था यहाँ का, हम लोग बचपन से आ रहे हैं अपने फैमिली के साथ, बहुत अच्छा से छठ मना रहे हैं, बहुत खुशहाली आए। तैयारियां थी छठ पर्व को लेकर? हाँ, सारा चीज का प्रबंध है बरिया प्रखंड में, बरिया पंचायत, बरिया पंचायत में प्रत्येक वर्ष छठ करते हैं घाट में, और सब चीज पुलिस व्यवस्था अच्छा किया है, लाइट का मेडिकल का भी है, और पुलिस भी है, नौका भी है, एम्बुलेंस भी है, सब चीज है, हाँ सब कुछ ठीक है। क्या नाम आपका? कल्पना दास।
सराहनीय योगदान रहता है। हम लोग जब भी उनको बोलते हैं तो ये ठंडा पानी में घुस के उन्हें कच्चू निकालते हैं और उसके एवज में उनको जो है एक हल्का मजदूरी हम लोग जो है गिफ्ट करते हैं। जो वाजिब मजदूरी है तो वो नहीं दे पाते हैं, लेकिन उनका भी पेट है, गरीब लोग हैं, तो उनके लिए हम लोग जो है इस बात को मद्देनजर रखते हुए उनको जो कुछ गिफ्ट करते हैं तो वो लोग आके उसको पूरा साफ सफाई और बाँस की कटाई, बैरिकेडिंग का काम और लाइट टेंट और रोड में साफ सफाई और झाड़ू चूना वगैरह जो भी होता है सारा सुविधाएँ हम लोग देने का प्रयास करते हैं। और कार्यालय में गंगा जल, दूध, फूल, ये सब का भरपूर व्यवस्था रखते हैं हम लोग। और ये तो पोखर कहा जाए कि ऐतिहासिक पोखर है और हमारा पिताजी लोग भी बताते हैं और दादा दादी भी बताते थे कि ये हम लोगों का जन्म से पहले से ये पोखर है। कितने वर्षों से यहाँ पर छठ करते आ रहे हैं? छठ लगभग 100 वर्ष ऊपर से ही हो रहा है ये छठ। आपका परिचय? मैं सरपंच प्रतिनिधि निर्मल कुमार यादव। निश्चित रूप से बता दूं, ऐतिहासिक ये पोखर है जो लगभग 100 वर्षों से यहाँ पर छठ करती है। हजारों की तादाद में लोग आते हैं, श्रद्धालु आते हैं और यहाँ पर छठ करते हैं। कोई राशि अब तक प्राप्त नहीं है। अगले बार तो विजिट भी आए थे, इस बार तो कोई अफसर लोग भी नहीं आए। जिला से हर छठ घाट में डीएम एसपी विजिट करते हैं, लेकिन हम लोगों का रामचंद्रपुर केवाला पंचायत में क्या जो हुआ है जो अब तक कोई विजिट करने नहीं आया, इससे दुख की और क्या बात करें। लेकिन हम लोग पूरे समाज एकत्रित हैं, पूरे हर जाति के लोग यहां छठ मनाते हैं, किसी तरह का कोई विवाद नहीं है, पूरी व्यवस्था पूर्ण रूप से की गई है और इससे ज़्यादा क्या बात। मैं समाज सेवी सौ प्राण पूरे भाई अध्यक्ष। छठ का आज अंतिम दिन है, जो सुबह का आंदोलन होते हैं भक्तों ने देखा है तो अपने अपने वापस घर जाते हैं। जो भक्त है उसके बच्चों का प्राण पूजा करते हुए आ रहे हैं। क्या मतलब लाभ होता है छठ पूजा करने से, क्यों करते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं हम भी लोगों को छठ करना चाहें तो किस तरह आपके लाभ है? हाँ
परिवार के अंदर। तो निश्चित तौर पे कहते हैं कि हिंदू धर्म में छठ पूजा सबसे बड़ी पर्व है और बड़े आस्था पूर्व से मनाते हैं। छठ पूजा करना कितना हिंदू के लिए कार्यरत है। क्या कर रहा था महान पर्व है। सब आदमी अपने घाट पर आते हैं, हमारे बाप दादा सब करके आए हैं। उस चीज़ को हम लोग ध्यान में रखते हुए छत्तीस घंटा निराधार रहकर इन पर्व को करते हैं। बिहार का सबसे बड़ी पर्व छठ है, जो लोग बड़े ही आस्था पूर्ण से छठ पूजा मनाते हैं। बहरहाल मैं संतोष कुमार दैनिक खोखा रामचंद्रपुर छठ घाट से। रुकिए, दीजिए पकड़िए पकड़िए तो रुकिए, दीजिए पकड़िए पकड़िए तो Yeah.